नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अनुपमा का आज का एपिसोड काफी अच्छा था, काफी कुछ था जो सीखने के लिए था और हम सब ने सीखा भी, क्योंकि मैंने भी अपने रिव्यूज में काफी कुछ शेयर किया कि क्या क्या सीखा और क्या सीखना चाहिए, और आप लोगों ने भी। तो आपके रिव्यूज का अब समय है, तो सुनाती हूँ क्या है आपके रिव्यूज। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। जो मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी गुजरातियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल सुख समृद्धि शांति और सभी तरह से अच्छी तरह से बीते, और आप सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं। आज हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का जन्मदिन है, इस दिवस को बाल दिन के दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में। आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। मैम, ने अभी धारावाहिक देखा, धारावाहिक की शुरुआत हुई, छोटी और अनुपमा अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए गिफ्ट पैकिंग कर रहे हैं, और अनुज ने उसे एक अच्छी सलाह दी कि तुम अगर गिफ्ट दे रही हो तो पूरी इज्जत से देना, कि लेने वाले को ये ना लगे कि उन पर कोई एहसान किया जा रहा है। मालती देवी पीछे से ही ये सुन रही है, लेकिन आधी अधूरी बात सुनती है। आज के धारावाहिक में आधा अधूरा सुनना वो भी और बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ये भी समझ में आया। उस मालती देवी अनुपमा के नाम से बोलती है कि ये अनुपमा वैसे ही पहले ही सास के लिए डिलीवरी घर जाके कर कर के में, और अभी इस छोटी की उम्र थोड़ी है चैरिटी करने की, उसको भी अपने जैसा बना रही है। लेकिन मालती देवी ने ये नहीं देखा कि अनुज ने भी उससे कहा था, मालती देवी अब कैसे समझ पाओगी वो क्या कर रही है। अनुज वो अनाथ आश्रम के बच्चों को गिफ्ट दे रही थी। बाद में अनुपमा रंगोली बनाती है अनुज का खुश होना और वादा करना, अनुज ज़्यादा वादा मत कीजिए क्योंकि आपका झुकाव धीरे धीरे आपकी माँ की तरफ हो ही रहा है। आज फिर मालती देवी ने सोने के कंगन की बात नाश्ते के टेबल पे उछाली। अनुज ने अच्छा हुआ जवाब दे दिया कि बार बार ये मत कहिए, और मालती देवी ने इशारों में ये भी कह दिया कि अनुपमा आज तो तुम डिलीवरी करने नहीं जाओगी। तब रोमिल अच्छे से पूछता है, और पाखी का कुड़ना क्यों, छोटी दिवाली है, कुछ त्योहार पे कुछ तो सीख लो कि अभी ये कुछ नया करेगी, उस पर भाषण देगी। अधिक ने उसको ताना दिया कि तुम भी कुछ काम करना सीख लो। अनुपमा अनुज को बताती है कि बाबा पूजी इस उम्र में फरसान बना के बेच दे रहे थे, मैं घर घर डिलीवरी करने गई थी। मालती देवी बार बार उकसा रही हैं अनुज को, और धीरे धीरे करके मैम, कल आपने भी बताया था कि ये इस धारावाहिक में कुछ भी अचानक से नहीं हो रहा, तो मालती देवी ने तो अपनी जड़ें बनानी शुरू कर ही दी है इस धारावाहिक में, कि अनुज के दिल में ट्यूशन की छोटी मैथ्स का सम भूल गई, 9 का टेबल भूल गई। वो बता उस कह रही थी कि मुझे कभी कभी बहुत सम कुछ एक सम डिफ़िकल्ट लगते हैं। मालती देवी उसको ट्यूशन का बोलती है तो अनुपमा मना करती है, मालती देवी कह देती है कि तुम कम पढ़ी लिखी हो। तो ये क्या है मालती देवी, आप पढ़ी लिखी हैं और बार बार बरखा आपको उकसा रही है, और आपकी अकल घास चरने गई है ऐसा लग रहा है मुझे, कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि बरखा आपको उकसा रही है, सास के नाम पे सब कर देगी अनुपमा। अनुजना वृद्धाश्रम के कागज लेके आते हैं, अनुपमा को कहते हैं कि तुम मालकिन हो, तुम पहले साइन करो। अनुपमा पढ़ के कागज पे साइन करती है, मालती देवी मना करती है उसको कि तुम बिना पढ़े अनुज साइन मत करो। अनुज ने ये कह दिया कि अनुपमा ने पढ़ लिया है इसीलिए मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से तो वो प्रॉपर्टी भी सास के नाम पे करवा लेगी। बरखा बार बार उकसा रही है मालती देवी, आप उकसा उसके भड़कावे में आ रही हैं, आपको ये नहीं दिख रहा है कि बरखा खुद भी वही कर रही है। सास तो फिर भी, और वहाँ सास को एहसास है कि अनुपमा ने उनके लिए जो कुछ किया है वो बहुत बड़ी बात है।
और वो थोड़ा सा हंस गा रहे थे। बापूजी ने आज वह सबको छोटी हैप्पी दिवाली बोला और सब मुस्कुरा रहे थे। पड़ोसियों से ये सहन नहीं हुआ कि तुम्हारा जवान बेटा गया है। अच्छा हुआ वनराज ने सबको बता दिया कि मेरा एक बेटा गया है, लेकिन मेरा दूसरा बेटा अभी यूके जा रहा है, तो हम उसे थोड़ी सी अच्छी यादें देना चाहते हैं। मेरी प्रेग्नेंट बीवी, मेरे बूढ़े माँ बाप को थोड़ी सी खुशियाँ देना चाहते हैं। तो आप लोगों को कोई तकलीफ है तो बोलो, बाकी एंजॉय करना है तो हमारे साथ डांस करो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। और वनराज सहित सबको एहसास है कि अनुपमा ने उनके लिए काव्या की गोद भराई का फंक्शन भी किया और सब कुछ किया। हम अनुपमा का एहसान नहीं चुका सकते, लेकिन पैसे का तो थोड़ा थोड़ा करके हम दे देंगे। और मालती देवी बार बार उकसा रही है, अनुज भड़क रहे हैं, और कल के प्रोमो में जो हमको दिखाया जाएगा वो और भी खतरनाक होगा। अब अनुज अनुपमा के बीच में दरार आ ही सकती है, क्योंकि मालती देवी ने बहुत समझदारी से और चतुराई से इनके बीच की जड़ों को हिलाकर रखा है। कभी ट्यूशन के माध्यम से, कभी शाह हाउस में गिफ्ट देने की बात करके, कभी शाह हाउस के लिए डिलीवरी का काम करके। और अनुपमा ने कह दिया है कि बाबा पूजी इस उम्र में काम कर रहे हैं तो कोई आत्मसम्मान पे किसी का वो नहीं होता है, आत्मसम्मान से जीने का हक सबको होता है। तो ये बात पाखी को अच्छी नहीं लगी। हालांकि रोमिल कहते हैं कि अब मैं भी पापा से नहीं लूँगा और मैं बापूजी के पास जाके सीखूंगा उनसे भी कुछ कि स्वाभिमान से कैसे रहा जाता है। रोमिल को अच्छा लगा, डिम्पी को भी ये अच्छा लगा, लेकिन ये खुश नहीं है मालती देवी और बरखा और ये लोग। इन लोगों को क्या समझ में आएगा पाखी वगैरह को कि मेहनत करने से क्या दिल को सुकून मिलता है, क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और सॉरी आज भी मैंने आपका वीडियो सुनने के बिना ही अपना ऑडियो भेज दिया। थैंक यू सो मच अंजू मैम। ख्याति जी कल आपका ऑडियो नहीं आया, 2 दिन से नहीं आया, आपको बहुत मिस किया। वर्षा जी, कुमुदिनी जी और रेखा जी, महिमा जी, आप सभी को बहुत अच्छा आपका ऑडियो था, मुझे बहुत अच्छा लगा। रेखा जी आपका हमेशा ही ऑडियो शॉर्ट एंड स्वीट होता है, और कुमुदिनी जी आप हमेशा ही एक सीरियल को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके, और आपको जो सही लगता है, जो जिस समय जो गलत होता है उसको गलत और सही को सही बोल देती हैं। वर्षा जी आपके ऑडियो में हमेशा कुछ नई बात बताती हैं आप, मीडिया के जरिए आपने कुछ नया देखा हो तो वो बताती हैं। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और कल वर्षा जी आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगा कि अनुपमा अमेरिका गई है सिर्फ वेटर का काम करने के लिए, क्यों गई है? यहाँ वेटर का काम तो यहाँ भी इन दूसरे शहर में रह के कर सकती है, पर मान को अलग होना आप भी नहीं देखना चाहती, मैं भी नहीं देखना चाहती, हम सब नहीं देखना चाहते, लेकिन मुझे लगता है ये सीरियल की गिरती टीआरपी की वजह से इन लोगों ने मान को सेपरेट करने का वो किया है, क्योंकि सीरियल 3 नंबर पे आ चुकी है। पिछले 2 हफ्ते से एक नंबर से 3 नंबर ऊपर जा चुकी है ये सीरियल। शायद लोगों को समर की डेथ के बाद इन लोगों का इतनी जल्दी मूव ऑन करना अच्छा नहीं लगा होगा। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म। थैंक यू मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए, और आपको भी बाल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और सब बच्चों को बहुत सारा प्यार। तो आज का ऑडियो अच्छा था आपका, और आपने जो पॉइंट रेज किया है वो भी अच्छा है, जो शुरू में आपने बोला कि जहां अनुपमा कह रही थी, छोटी को समझा रही थी, वही अनुज भी वैसी ही बातें समझा रहा था, मगर मालती देवी का ध्यान सिर्फ अनुपमा की बातों पे ही था। तो पॉइंट अच्छा था, बाकी आपने बहुत अच्छा कहा है अपने ऑडियो में। ऐसे ही ऑडियो भेजते रहिए, मजा आता है आपका ऑडियो सुन के। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आज 2-3 दिन के बाद मैं भेज रही हूँ सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी सभी बहनों को और अंजू जी आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। और महिमा कल तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा, कुछ भी गलत नहीं कहा है तुमने, कि दूसरी शादी होने के बाद भी अगर फिर से जो माया वाले ट्रैक में जो कुछ भी दिखाया अनुज अनुपमा अलग हुए, अब मालती देवी के ट्रैक में भी वही सब दिखाने वाले हैं, तो
इस स्टोरी का कोई मतलब ही नहीं है अगर दूसरी शादी के बाद भी यही सब कुछ होना है और सब कुछ अनुपमा को ही सहना पड़ता है। ये गलत है। और मेरी एक बात मैं सबसे भी पूछना चाहती हूँ कि अनुज ने 25 साल अनुपमा से प्यार किया, आज जब वो प्यार उसे मिला है, उसके पास है, तो अगर इस बार अगर अनुज अनुपमा को गलत समझेगा और जिस तरीके से माया छोटी को लेके गई और जिस तरीके से अनुज ने अनुपमा के साथ बिहेव किया था, अगर फिर से वही सब दोहराया जाएगा तो किसी को भी दूसरी शादी पे विश्वास नहीं रहेगा और अनुज खुद बहुत बड़ी गलती करेगा। जिस प्यार के लिए वो तड़पा, आज उसे वो प्यार मिला है, आज वो दोनों हर बार कहते हैं कि हम अलग नहीं होंगे और वो खुद कहता है कि अनुपमा मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। लेकिन अगर इस बार अगर अनुज मालती देवी की बातों में आता है तो बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि अनुज को पता है कि अनुपमा कैसी है। मैं हर बार अपने वीडियो में कहती हूँ ये बात कि अनुपमा के साथ शादी करने से पहले अनुज ये सारी बातें जानता था। ऐसा तो नहीं कि अनुपमा ने अंधेरे में रखा था। जब अनुपमा को पहली बार भी पता चला था कि अनुज अनुपमा से प्यार करता है 25 सालों से, तब भी उसने सिर्फ दोस्ती ही मांगी थी। दूसरे दिन जब उन दोनों की बातें होती तब वो कहती कि आप मुझसे 25 साल से प्यार करते, तो हाँ। तो आज अगर अनुज फिर से वही गलती दोहराएगा तो ये बहुत ही गलत बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अब हालात बन रहे हैं और जो न्यू प्रोमो आ रहा है उससे तो यही साबित होता है कि फिर से वही सब होने वाला है और अनुज और अनुपमा फिर से अलग होंगे। इस बार शायद अनुपमा खुद ही चली जाती है क्योंकि बहुत यूट्यूब पे आ रहा है कि सब कुछ छोड़ के अनुपमा चली जाती है। इस बार वो किसी को भी अपनी माँ होने का सर्टिफिकेट नहीं देने वाली है। हर बार वो छोटी से प्यार करती उसका इम्तिहान लेना, अब वो इम्तिहान नहीं देगी। और जिस तरीके से 3 साल से ये शो नंबर 1 पे चल रहा था, उसकी TRP मालती देवी के आने की वजह से और इस ट्रैक की वजह से डायरेक्ट ये शो तीसरे नंबर पे आ चुका है। और इसीलिए इसकी TRP बढ़ाने के लिए ये वाला प्रोमो भी ये किया है और शायद ये वाला होगा भी। ये सीन फिर से सर्कल फिर से आने वाला है, जो माया के टाइम पे हुआ था वैसा अब इस बार होने वाला है। और आज बहुत ही अच्छा लगा कि सा परिवार के विचार और मालती देवी के विचार में जमीन आसमान का फर्क है। सच में मालती देवी की सोच बहुत ही घटिया है। वो ये कह रहे कि सा परिवार वाले मेरे बेटे को चूस रहे हैं, जबकि सा परिवार में ये बातें हो रही कि अनुज और अनुपमा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और अब जो कल उसने घर घर जाके वो जो सामान पहुंचाया, बाबा पूजी का ऑर्डर पहुंचाया, उससे जो पैसे आए उसमें उन्होंने 3 हिस्से बनाए, एक काव्या का, एक बाग का और एक अनुपमा का। अनुज और अनुपमा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आज वनराज भी कह रहा है कि काव्या की गोद भराई भी खर्चा अनुपमा ने अनुज ने ही किया है, वो हमारे घर के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, हम थोड़ा थोड़ा ही करके लेकिन उन्हें पैसे लौटाएंगे। ये सा परिवार की सोच है। और आज बिल्कुल बापूजी ने जिस तरीके से खुशियों को खुशियां मनाई दिवाली की और सबको खुश किया, सच में बहुत अच्छा सीन था। लेकिन वो कहते हैं ना, लोगों को ये भी नहीं पता आता कि बेटा मर गया और दिखाता ऐसा है कि जैसे इसे बहुत दुख है और अब देखो नाच रहे। यानी अगर कोई बेटा मर गया वो जिंदगी भर का दुख है, वो कोई कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन वो बेटे की इच्छा क्या है वो उन्होंने महत्व दिया है, उस बात को महत्व दिया है कि वो चाहता है कि हम सब खुश रहे, दुखी ना हो। अगर आपको आप दुखी रहेंगे तो मुझे भी दुख होगी, मेरी आत्मा को दुख होगी, मैं भी दुखी होगा। इसलिए वो खुशियां ढूंढ रहे हैं। सा परिवार में इतने झगड़े देखे, सब कुछ देखा उस परिवार का, लेकिन फिर भी आज एक दूसरे के बातों को, उनके विचारों को महत्व देते,
उनकी सोच बहुत ही अच्छी है, इसीलिए आज बाकी आंखों में आंसू है कि तोसु और किंजल जा रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन सच में सहपरिवार की सोच बहुत अच्छी है, और बाँ कैसे भी हो ताने देती हो बोलती हो, लेकिन वो मालती देवी जैसे तो बिल्कुल नहीं है। उनकी सोच मालती देवी तो जैसे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मालती देवी की सोच सबसे घटिया है। जिसने कभी परिवार नहीं देखा, कभी रिश्ते नहीं देखे, कभी रिश्ते निभाए नहीं, अपने बेटे को खुद को खुद के बेटे को बड़ा नहीं किया, कभी पति को भी अहमियत दी होंगी तो पता नहीं, लग तो वैसे ही रहा है जैसे उनकी सोच है। आज वो पीछे जब अनुपमा अनुज छोटी को समझा रहे हैं कि हमारे पास है तो हमें देना चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास है तो हम दे उन्हें, उन्हें खुश करें, तो कहती है अभी से मैं छोटी सी बच्ची को भी अपने जैसा बना रही है। वाह, आज अनुज अपनी माँ के पैर तक छूने को तैयार नहीं है, वो तो अनुपमा की वजह से छुआ है। तो जिस औरत की वजह से आप इस घर में आए, आपको उसी का घर तोड़ रही है। और आज जो डाइनिंग टेबल पे, जो खाने के टेबल पे जो बातें हुई, सच में वो भी बहुत अच्छी थी। बाकी का वो बोलना कि मम्मी का भाषण चालू हो जाएगा इस पर, तो कहती है कि कम से कम मेहनत तो कर रहे, तुम्हें यही सिखा रहा हूं मैं। एक टाइम पे अनुज ने जब कहा तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, तब मालती देवी को खुशी हुई कि अब मेरा बेटा अनुपमा को डांटेगा। लेकिन उसने वो नहीं कहा, उसने ये कहा कि बाप बापू जी की ये मेहनत करने की, इतना बड़ा ऑर्डर लेने की क्या जरूरत थी, हम है ना उनके लिए, हमें कह देते, हम ऑर्डर बना देते, हम बना देते, नहीं तो ऑर्डर दे देते और उनका वो ऑर्डर पूरा करवा लेते किसी और को ऑर्डर देकर। लेकिन नहीं, अनुपमा ने कहा उनके आत्मसम्मान है, अरे पड़े पड़े तो लोहे में भी जंग लग जाता है, तो हम तो फिर भी वो तो इंसान है, अगर वो करना चाहते तो उन्हें करने दीजिए, और मेहनत करने में कोई बुरी बात नहीं है, गर्व की बात है मेहनत करना, और वो सहपरिवार कर रहे हैं। और मालती देवी की सोच कहाँ है, उनके घुटनों में, और उसमें आग तेल में और घी में आग डालने का काम कौन कर रही है, बरखा। जैसे आज उनके यहाँ वो जो पेपर आए वृद्धाश्रम जो वो लोग अपना घर बनाने वाले, उसके जमीन के पेपर आए, आज फाइनल हुई आज उनकी डील, उस पर साइन करने के लिए अनुज ने अनुपमा से कहा, कहती एक दिन मेरे बेटे के बेटे से छुप कर ऐसे ही साइन कर देगी और सपरिवार को सब कुछ दे देगी। साह परिवार वाले लालची नहीं है मालती देवी, आप लालची हो, आप में लालच है, मैं मेरा बेटा मेरे बेटे का बिजनेस, मैं आपके अंदर सिर्फ मैं पड़ा है, जबकि वो आपका बेटा आपको माँ तक नहीं मान रहा है। लेकिन जैसा महिमा ने कहा सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है, वो बात सही है, बिल्कुल सही है ये बात। आज अधिक ने भी फिर से पाखी को समझाया, पाखी को फिर से समझाया, लेकिन फिर भी पाखी के दिमाग में कुछ भी नहीं घुसा है कि मैं ना काम करूं। लेकिन आज रोमिल ने कहा वो बात बहुत अच्छी लगी कि सच में बाप बापू जी इंप्रेशन है, मुझे भी लगता है कि मुझे भी अपने पापा से पॉकेट मनी नहीं लेनी चाहिए, और हर बुजुर्ग को करना चाहिए, अपने बहु बेटे के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहिए, और ये बात मालती देवी के लिए थी। सच में मुझे रोमिल की बात इतनी अच्छी लगी ना कि बहुत ही अच्छी लगी, उसने मालती देवी को सुना भी दिया और पाखी को भी, अधिक ने भी पाखी से कहा कि तुम भी करो मेहनत करो, जो रोमिल ने कहा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए और अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। बहुत ही अच्छा एपिसोड था आज का, ये सीख मिली है कि हमें भी अपने पैरों पे ही खड़े रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और उसने भी कहा हम भी हमारे वृद्धाश्रम में यही रखेंगे कि वो अपना काम, उन्हें जो भी करना है वो कर सके, अगर उनकी इच्छा है वो कर सकते हैं तो करे, जब नहीं होगा तब ठीक है, लेकिन अगर उनकी इच्छा है तो उनको हम महत्व देंगे।
आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा। अब देखते कल क्या होता है। लेकिन अनुज अगर इस बार अनुपमा पे चिल्लाया या फिर से मालती देवी की बातों में आया तो वो बहुत ही गलत होगा। तो फिर तुम्हारा प्यार का मतलब ही क्या है, जो हर बार कहते हम प्यार करते हैं, मुझसे अलग मत होना अनुपमा। इसलिए देखते आगे क्या दिखाते। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और सबको हैप्पी दिवाली। अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते और आपको भी हैप्पी दिवाली। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो प्लीज़ अंजू जी आप कहिए मैंने कुछ गलत कहा हो तो। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट इस ऑडियो में कवर किया है कि अब अनुपमा जो है माँ बनने का सर्टिफिकेट किसी को भी नहीं देगी। सही बात है, क्यों दे बार बार, क्यों माँ हर बार परीक्षा देती ही रहे कि मैं अच्छी माँ हूँ, मैं बच्चों का ध्यान रखती हूँ। बच्चों को पता होना चाहिए, माँ को पता होना चाहिए। बाहर के लोग जब खुद कुछ नहीं कर सकते तो किसी के रिश्ते में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। मजा आया आपका ऑडियो सुन के, बाकी ऐसे ही ऑडियो भेजते रहिए, मजा आया। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा ने, मालती देवी ने आग लगाने की कोशिश करी पर अनुपमा ने बात संभाल ली, वह समझ गई मालती देवी क्या करना चाहती है। पर रिकैप में जो देख रहे हैं कि अनुज का चेहरा ही हो जाता है, ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं दिखाना चाहिए। फिर अनुज के लिए वो कहावत ही हो जाती है, मौसम की तरह तुम बदलता ना जाओगे। मतलब मालती अपना ये कैसे समझनी पड़ता, माँ है, माँ एक अपने बेटे की और अपने बच्चों की खुशी नहीं चाहेगी, डिंपल के लिए क्यों ये करेगी। हाँ, अगर वो दौड़ के जाती है तो उसमें उसकी क्या गलती। पर मालती देवी को है ना, अब ये करना मालूम नहीं अनुज को कब समझ पड़ेगी कि मालती ये सब चाल चल रही है जानबूझ के। जब तक देर ना हो जाए रोमिल कुछ करे, रोमिल और अंकुश ऐसा कुछ करे, अधिक भी अभी ठीक लग रहा है। बरखा का वाकई में मानना पड़ेगा, मतलब क्या कहते हैं, जिस घर में रहती है, जिसका खाती है, उसी को ये करने के लिए पड़ी है। मतलब बरखा को ये चाहिए। अगर मालती को सब मिल भी गया तो क्या मालती खुश हो जाएगी। हाँ, नकुल ने ये किया था, तुम्हारी गलती। हाँ, तुम पागलों जैसी घूम रही थी, तुमको ला के गलती करी अनुपमा ने, तुमको तुम्हारे बेटे से मिलाया, गलती करी। बहुत ये दिखा रहे, बहुत बेकार लग रहा है। आज तो मेरे को मालूम है, वाकई में डर लग रहा था कि अनुपमा देखूँ कि नहीं देखूँ, क्या मालूम फिर सेपरेशन। और फिर ये मैंने तो X9 पे देखा कि अनु मालती देवी ने अनुज और अनुपमा का तलाक करवा दिया और अनुज की दूसरी शादी करवा दी। किसी औरत का अच्छाई का इतना फ़ायदा नहीं लेना चाहिए, इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि उसके दिल से बद्दुआ निकले। माया ने भी वही हरकत करी थी और मालती भी वही हरकत कर रही है। मेरे को तो देवी बोलने भी गुस्सा आता है उस औरत को, इतनी ये अपने ही बेटे का घर फोड़ने में लगी हुई है। उसको समझ नहीं पड़ता बरखा और इनकी चाल। हाँ, इतनी समझदार, इतनी होशियार, में बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो सारी पढ़ाई लिखाई क्या गंदे काम करने में ही लगाएगी, कुछ अच्छा करेगी कि नहीं करेगी। पहले भी नहीं किया, बच्चा छोड़ के गई और आके बोलती हूँ मैं माँ हूँ, मुझे ये करो, मुझे सब चाहिए ये। बहुत मेरे को है ना, वो मालती को अब देखना ही नहीं है। राजन शाही ने है ना इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए। और अनुपमा वहाँ अमेरिका जाती है, वेटर का काम करती है अनुपमा, सब शाह परिवार। अगर अनुपमा ऐसी होती ना तो खुद के लिए दिवाली के बहुत बड़े बड़े गिफ्ट खरीदती, पर वो क्या खरीदती है, कुकर, घर का सामान। अपने लिए तो वो कभी कुछ नहीं करती, सबके लिए जीती है। तो क्या भगवान इतना निर्दयी है कि उसके लिए कुछ नहीं करेगा। अनुज अनुपमा में अलग नहीं देखना है, साथ में ही देखना है। मेकर से प्लीज़ मेकर ऐसा ये मत दिखाओ, इस मालती प्रकरण को भगाओ, बहुत हो गया। और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और सुबह का प्यार बहुत सारा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सही कहा रेखा जी आपने कि अनुपमा अगर, जैसे आपने कहा है कि ऐसी होती, मतलब लालची होती, तो दिवाली पे बड़े बड़े गिफ्ट खरीदती, ये कुकर तक नहीं सीमित रहती। तो अच्छा था आपका ऑडियो और आपके गंगू की आवाज भी बहुत अच्छी थी। तो थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए, आगे बढ़ते। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी।
हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। दीपावली की तैयारियां जोरों से हो रही हैं कपाड़िया हाउस में, और गिफ्ट्स को लेकर इज्जत और सलीके से देना चाहिए, गिफ्ट्स को भाव से देना चाहिए। मालती जली भुनी जा रही है, जलो और जलो, काम ही क्या बचा है मालती के पास। मालती की बातों का असर अनुज पर हो रहा है, अब मैथ को लेकर हो गया है और वो जायज भी है। शायद छोटी मैथ में कुछ कमज़ोर है और अनुपमा के पास समय होता नहीं है छोटी को देने के लिए। मालती आ गई अनुपमा पर कटाक्ष करने। ट्यूटर वाली बात वैसे गलत भी नहीं है, अनुपमा में करती रहेगी और शाह हाउस में वक्त देती रहेगी, बस उसके पास वक्त होता ही कहाँ है। वैसे मालती की ये बात सही है, संस्कार के साथ शिक्षा भी जरूरी है, पर उसके मुँह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। छोटी को प्रॉपर टाइम की ज़रूरत है और अनुपमा को शाह के फंक्शन सेलिब्रेट करने से फुर्सत ही नहीं है। मालती की इंटेंशन गलत है, पर बात कभी कभी सही कर जाती है, लेकिन उसने इतनी गलतियां की हैं कि उसके मुंह से कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है। खुशी प्यार साथ हमेशा कैसे बना रह सकता है मालती के रहते, ऐसा हमको लगता है। कुछ ना कुछ गलत फहमियाँ अभी मान के साथ होंगी। अब बा को कितनी चिंता है काव्या की कि झुक मत। अरे अनुपमा के 3 बच्चे हुए, कभी कहा झुक मत? कभी नहीं कहा। हमेशा अपने घमंड में गुरूर में रहती थी, हमेशा जुनून चढ़ा रहता था। अब बिल्कुल वक्त ने ठंडा करके रखा है, सही भी है। लीला डिजर्व भी यही करती है। लीला ऐसे ही साथ को तरसो कि पता नहीं कब साथ मिलेगा बच्चों का कि नहीं भी मिलेगा। अनुपमा की तो कभी कदर की नहीं तुमने, न तुम्हारे बेटे वनराज ने। आ गया नकारा वनराज, बकवास इंसान, ये भी बहुत अकड़ में रहता था, अब कहाँ गई अकड़ और रुतवा। वनराज साइज बैग कहाँ गया? अरे या तो इसको पागल ही कर दो पूरी तरह से, या इसको ठीक कर दो। अजीब कैरेक्टर दिखाया गया है। मोहल्ले वालों को वनराज का सही जवाब, सबकी बोलती बंद कर दी वनराज। मालती एक भी मौका नहीं छोड़ती बदतमीजी करने की अनुज के सामने। सामान डिलीवरी के बारे में कटाक्ष कर रही है और एज यूजुअल पाखी का कमीनापन उस पर अधिक का। अनुपमा का फेवर करना और पाखी को कहना कि तुम्हें तब भी काम की अहमियत नहीं समझ आएगी। मालती का ये तीर भी बेकार गया अनुज के ऊपर। उस पर बरखा खुश हो रही है, अनुपमा समझ रही है मालती कहाँ बोल रही है। कंगन को लेकर अनुपमा ने क्लियर कर दी पूरी बात। रोमिल को समझ आ गया कि पॉकेट मनी या पापा से नहीं लूँगा मैं, बंद कर दूंगा। पर बद दिमाग पाखी को कुछ नहीं समझ आ रहा है, बस फुंकार मार रही है बैठी बैठी। रोमिल ने मालती पर जोरदार कटाक्ष मारा, लाजवाब लगा, वाह रोमिल वाह। अनुपमा ने अनुज को इशारा किया मालती के पैर छूने को। दोनों ने पैर छुए तो अनुपमा ने कहा, हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, तभी हम लोग खुश रहेंगे। ओल्ड एज होम के पेपर्स पर साइन हुए अनुपमा अनुज के। बरखा मालती को और जला रही है, पानी पर चढ़ा रही है मालती को। मालती कितना गलत है कि धन दौलत पर नज़र है शाह हाउस वालों की, जबकि बा अनुपमा का हिस्सा भी लगा रही है। बरखा ने अपना काम कर दिया है पूरी तरह से आग लगाने का। अब सीरियल में देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए, बढ़िया ऑडियो था। हमेशा की तरह ऐसे ही भेजते रहिए अपने ऑडियोज, अपने रिव्यूज। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, सादर प्रणाम हमारी प्यारी पूरी सहेलियों को, हमारी प्यारी पूरी दीदियों को। सादर प्रणाम गुमो त्रिपाठी दीदी, रेखा दीदी, मनीषा दीदी, आप लोग का सच में बहुत अच्छा होता है बोलने का तरीका, और बोलने की बोल जो चीज़ आप बोलती हैं वो बहुत जेन्युइन लगता है। और गुमो त्रिपाठी दीदी, आप तो लॉन्ग का जगह शॉर्ट में ही बोलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनरली लगता है, मतलब आपकी बोली का जो उच्चारण है और सही तरीके से होता है मैम, बहुत अच्छा लगता है। और अंजू दीदी, मैं हमेशा आपके बारे में बोलना ही भूल जाती हूँ, पर आज बोलूँगी ज़रूर। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो आपने दिया है हम लोग के लिए, और आपने कहा कि महिमा अपने गुस्से को निकाली वो अच्छा करी, और गुस्से को कंट्रोल करी वो भी अच्छा करी, तो मेरे को उस चीज़ के लिए आपकी तारीफ करता हुआ बहुत अच्छा लगा, वेरी थैंक यू। और एक बात और कहना है कि आज का अनुपमा शो देखा है मैंने, अच्छा लगा। कुछ
अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा इसलिए क्योंकि वनराज के घर में मतलब शाह हाउस में बाप बापूजी, केंजल पारितोष, काव्या और सब कोई मिलके डांस करते हैं, सब कोई मतलब एंजॉय करते हैं। और बाहर वाले लोग आके बोलते हैं कि अभी 2 महीने नहीं हुए बेटे को, मरे हुए को इन लोग अपना डांस कर रहे हैं, ये लोग देखो एंजॉय कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद भी कहा कि हम लोग एंजॉय, चाहे एंजॉय करें चाहे कुछ भी करें, आप अगर आपको आना है तो आप वेलकम, और मेरे बेटे समर भी होता तो वो इस प्रोग्राम को अच्छे से करता। तो वो अच्छा लगा देखकर। और कपाड़िया हाउस में मालती देवी का तो अलग ही नौटंकी चल रहा है। वो बार बार कंगन के लिए बोलती है, आपको अगर चाहिए तो अपने अनुज कपाड़िया को बोलिए ना कि बेटा हमको भी एक ऐसे ही कंगन ला के दो, वो तो 10 कंगन ला के दे देगा। लेकिन वो चीज नहीं दिखता है, उन्हें सिर्फ अनुपमा को टोन करना है और मैनिपुलेट करना है अनुज कपाड़िया को। और सच में वो आपने सेकेंड बार में जो कहा था ना कि कौन उबलेगा ही, वो उबलना चालू हो गया है। तो वो सच में बहुत खराब लग रहा है देखकर कि पता नहीं आगे का स्टोरी क्या होगा। लेकिन बस भी करो, अगर बच्चे के साथ उनका रिस्पेक्ट नहीं दिखाना है तो स्पेशली मैं अब मैं बोलूँगी कि मान अगर अलग होते हैं तो वो भी खुशी है। अगर अनुपमा अकेले सफ़र करती है, अकेले ही कुछ सब कुछ करना चाहती है तो इट्स वेरी राइट। ऐसा कोई रोमांटिक मोमेंट नहीं देखना है कि जब अनुज कपाड़िया अनुपमा को ना समझे। जब एक औरत होके एक मर्द को रेस्पेक्ट देती है, पूरे घर को, फैमिली को, पूरा मोहल्ले को से के सामने डंके की चोट पे कहती है कि अनुज कपाड़िया से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ, और इतने सारे सबके सामने प्रपोज करती है, तो उसका रेस्पेक्ट पहले बनता है अनुज कपाड़िया। मालती देवी ने आपकी माँ बायोलॉजिकल जरूर है, लेकिन उन्होंने किया क्या? अगर अभी आपने ये कांड किया है, करते हैं आप अपनी छोटी बेटी के लिए, तो ये सबसे बड़ा आपका मिस्टेक रहेगा। और ये जो हम लोग जितने भी ऑडियंस है, जो फीमेल ऑडियंस है, आपको लाइक करते हैं वो डिसलाइक हो जाएगा। मैं बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ के लिए नहीं बोलूँगी कि आप बैड न्यूज़ में और गुड न्यूज़ में, आप सबसे गुड न्यूज़ में हैं। लेकिन स्पेशली अगर आप अभी अनुपमा का साथ नहीं देंगे, मालती का साथ देंगे, तो स्पेशली बैड न्यूज़ में आप एंटर कर जाएंगे, क्योंकि आप अपना बिहेवियर चेंज नहीं होगा, बार बार अपनी बेटी के लिए आप अनुपमा को साइडवे करेंगे, तो दिस इज़ नॉट राइट। बड़े होते हैं बच्चों को सही गाइडलाइन देने के लिए, और आप भी अपनी बेटी के सपोर्ट में रहेंगे कि बेटा ठीक है ना, भाभी प्रेग्नेंट है, उस वजह से भाभी को मम्मी ने पकड़ लिया, आपको इधर दादी ने पकड़ लिया, तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजन साई, दिस इज रॉन्ग वे। इसका मतलब जिस उम्र में अनु है उसी उम्र के बच्चे, कितने सारे बच्चे देखते हैं ये शो, वो अपनी मॉम से सही चीज़ नहीं सीख पाएंगे कि सच में मम्मा लोग ऐसे ही करती होगी, इस वजह से ऐसा होता है। क्योंकि आजकल के बच्चे, हम लोग की तरह बच्चे नहीं थे कि कुछ सीख नहीं पाते थे, कि जब पेरेंट्स बताते थे तब सीखते थे। और अभी के बच्चे मोबाइल हो, टीवी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसे देखकर सीख जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रजन साई से कि प्लीज़ आप दिखाइए तो बच्चों को माँ का रेस्पेक्ट करना सिखाइए, ना कि माँ के ऊपर डिसरिस्पेक्ट सिखाइए। क्योंकि जिस औरत ने सबका करती आ रही है उसे डिसरिस्पेक्ट करना, दिस इज नॉट राइट। जनरली मैं क्वेश्चन एक अपने घर की बात करती हूँ, बॉम्बे में हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरा बेटा और सब कोई मिलके, हम इस बार सब कोई आया हुआ है, तो हम लोग एक साथ दिवाली मनाए हैं। और स्पेशली आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी मेरे हस्बैंड अनुपमा नहीं देखते थे। ये स्पेशली हफ्ता भर से अनुपमा देख रहे हैं, और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि ये आगे का, पहले का स्टोरी आप कैसे बता दे रहे हैं, तो बोले ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो बोले ऐसे ही तो बता नहीं सकते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। बोले मैं भी देख रहा हूँ। बोले यार तुम लोग कैसे बर्दाश्त कर लेती हो बार बार अनुपमा का बेइज्जती और सबको लास्ट में ये खुद मोबाइल लेकर आजकल पहले का शो देख रहे हैं कि देखते हैं आगे का स्टोरी क्या क्या है। पहले का स्टोरी महिमा जो तारीफ करती है उसका स्टोरी तो देखे क्या क्या है। तो उन्होंने कहा कि मानना पड़ेगा तुम कैसे इसमें एडजस्ट कर गई और कैसे सीख ली ये जो बॉम्बे आने का जो है, अपना काम को वेडुलर देने का है,
वो मैं अनुपमा से ही देख के सीखी हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे मैम, आज मैं अनुपमा सेट से दो तीन चीज देख कर सीखी हूँ और आज मैं पूरे मतलब अपने बच्चों को अपने फैमिली को लेकर चल रही हूँ। भले ताना भी सहन कर रही हूँ, प्यार भी सहन कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। ये चीज़ अनुपमा सेट से ये चीज़ मैंने सीखा है कि अपने आप को काबिलियत में डालो, वो भी कैसे, इस तरह से जिस तरह से अनुपमा ने अपने आप को बाहर निकाला घर से और कमाने के लिए गई, वैसे मैं भी अपने आप को बाहर निकाली और बॉम्बे पहुंच गई। धीरे धीरे ऑफिस का काम करते करते अपना अपने आप को सक्सेस करते करते बॉम्बे पहुंच गई। और आज बॉम्बे में इतनी तारीफें होती है, जहाँ जिस कंपनी में काम कर रही हूँ, रिलायंस कंपनी है वो, उस कंपनी में काम कर रही हूँ, वहाँ के बॉस भी हों चाहे कोई भी, मुझे इतना खुशी देते हैं, इतना तारीफ करते हैं कि कोई कम कम नहीं। आई एम वेरी अपसेट कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए और सब कुछ समझदारी से होना चाहिए। और सेकेंड चीज, मेरे बच्चे जब गलत करते हैं और सही करते हैं तो मैं उन्हें समझाती हूँ, सिखाती हूँ। और इस सीरियल में सिखाना तो दूर की बात है, डिसरिस्पेक्ट करना बच्चे ज़रूर कर जाते हैं अपनी मॉम से, दिस इज़ नॉट राइट। प्लीज़ मेकर्स, आई एम वेरी रिक्वेस्ट, प्लीज़ राजन सही, आई एम वेरी वेरी रिक्वेस्ट कि आप कुछ अच्छा दिखाइए। खास कर मैं ये देखना चाहती हूँ, वो अमेरिका जाती है वो अलग मैटर है, वो उनका सपना पूरा होता है अलग मैटर है, लेकिन जब वो माँ है तो उनके पांचों बच्चे जो हैं वो रिस्पेक्ट दे। तीन बच्चे हैं उनके, मतलब समर नहीं है, डिम्पी है, किंजल है, यहाँ तक कि अधिक है, इन तीनों बच्चे भी और प्लस उनके खुद के दो बच्चे और छोटी अनु, सब रेस्पेक्ट दे। एक माँ को जब माँ अपने सारे वजूद को झोंक देती हैं तो अपने अपने उन्हें भी कुछ मिलना ही चाहिए अपने बच्चों से, ना कि तकलीफ। थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू टू। सही कहा महिमा आपने कि अगर अनुपमा अकेले कुछ करना चाहती है तो ये भी सही है, कितनी देर वो सबके लिए सब कुछ करती रहेगी, अब खुद के लिए भी करे क्यों, सबकी बातें भी सुने और फिर उनके लिए करे भी। बट अनुपमा ऐसी ही है, यही हम अब तक देखते आए हैं। बाकी आपने अनुपमा से बहुत कुछ सीखा है, सुन के अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोस, कैसे लगे आपको, आपका भी अगर मन है भेजने का तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।